told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Fab Hotels is India's number one budget hotel chain with 600 plus hotels in 60 plus cities. Fab Hotel अपना Fab Food Fest लॉन्च कर रहा है जो 28 जन से 7 सब तक है, जिसमें आपको फ्री ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। दोस्तों आज हम आए उत्तम नगर मेरा घर के पास ही है। तो दोस्तों मैंने ये देखा कि पिज़्ज़ा लवर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना लोगों को, मेरे जितने दोस्त हैं सब ज़्यादातर पिज़्ज़ा ही पसंद करते हैं और सारे मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं कि भाई उत्तम नगर में बेस्ट पिज़्ज़ा कहाँ पर है। तो आज मैंने सोचा कि यार शूट ही कर लेते हैं यहीं पे और बता देते हैं आपको कि सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है पूरे उत्तम नगर में। पिज़्ज़ा ऑन व्हील्स जस्ट हमारे पीछे है। मैंने इतने पिज़्ज़ा ट्राई करे बट यहाँ का पिज़्ज़ा सबसे बेस्ट लगा मुझे, सबसे बेस्ट प्राइस में। तो पहले मैं आपको एड्रेस बता दूँ, यहाँ का साइड में ही हम खड़े हैं सनातन धर्म मंदिर के, आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा आर एस समाज रोड, ये है यहाँ का एड्रेस। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल एड्रेस मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए खाते हैं का माउंट एवरेस्ट पिज़्ज़ा और बताते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है पिज़्ज़ा ऑन व्हील्स का मेन्यू, आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो 60 रुपीज़ से है, जो नॉर्मल सिंपली वेज वगैरह पिज़्ज़ा है, और मैक्सिमम जाता है 170 तक। वैसे मेरा यहाँ का जो फेवरेट पिज़्ज़ा है वो है कंट्री स्पेशल पिज़्ज़ा, जो कि आप देख सकते हैं, या फार्म हाउस, सारी चीज़ें मिक्स है उसमें, और मतलब एक पिज़्ज़ा पे ना पूरा पेट भर जाता है एक जने का। लेकिन आज जो हम लेने वाले वो है यहाँ का माउंट एवरेस्ट पिज़्ज़ा। नाम बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा तो हमने सोचा आइए यही ट्राई करते हैं। पब्लिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, स्विगी जोमैटो सब पे अवेलेबल है, ये है यहाँ का पूरा। चलिए आइए अब बनवाते हैं अपना पिज़्ज़ा और दिखाते हैं आपको कैसा टेस्ट है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ का बेस ये आर एस फूड है और काफ़ी सॉफ्ट बेस लग रहा है। सर ये कहाँ से आते हैं, बेस कहाँ से आते हैं, बेकरी हुई कहाँ पे है? ये आता है तिलक नगर से। अच्छा तिलक नगर से। अच्छा इस दुकान को कितने साल हो गए वैसे, कितनी पुरानी है? ये हमारा हो गया सर 5 साल उधर है, इधर 2 साल इधर ही शिफ्ट हुआ है। अच्छा अच्छा 7 साल हो गए। अच्छा क्या बात है। बाकी पैकिंग आप देखेंगे तो बॉक्सेस वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे और सारी चीज़ें अवेलेबल है, देखा जाए जो भी एक पिज़्ज़ा की शॉप पर होनी चाहिए। कस्टमर्स खा रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं कि ये ओवरव्यू शॉप का छोटा सा, जब आप बैठ के भी खा सकते हैं अंदर और आप चाहे तो बाहर खड़े होकर भी खा सकते हैं, 2 टेबल बाहर भी हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं हमका पिज़्ज़ा मेकिंग, सब कुछ बताएंगे, आइए। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे किसी के पिज़्ज़ा बन रहे हैं। सर ये कौन से पिज़्ज़ा हैं? आटे स्पेशल। कौन सा बताना? आटे स्पेशल। आटे स्पेशल हाँ जी, तीनों पिज़्ज़ा आटे स्पेशल। कितने के इनका प्राइस है? ये 100 का है, स्मॉल साइज 100। हाँ जी। बड़े वाला 160। हाँ सर। और ये कौन सा बन रहा है? ये फ्रेश वेजी का टॉपिंग है सर। फ्रेश वेजी का टॉपिंग। हाँ जी। ओके। और ये किसका पास्ता, व्हाइट सॉस आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये व्हाइट सॉस पास्ता है। बाकी यहाँ पे आप सामान देखेंगे, मशरूम, गोल्डन कॉर्न, पनीर और वेजीज रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। चीज़ें तो यहाँ पे सारी फ्रेश ही होती है ना। हाँ सर, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ में देखा नहीं, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ खा रहा हूँ, हर बार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए अभी तो खुली है ना जस्ट शॉप? हाँ जी अभी खुली है ना, फिर भी उसके बाद भी भीड़ इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में हो गई है। चलिए दोस्तों अब अपना पिज़्ज़ा बनवाते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट। दोस्तों अब बनेगा हमारा माउंट एवरेस्ट पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ का, जिसका प्राइस हमें पड़ेगा 170 रुपीज़। ओके अब सर बताते जाइए आप क्या क्या डाल रहे हैं। ठीक है, ये पिज़्ज़ा टॉपिंग है सर, पिज़्ज़ा सॉस, इसमें वो टमाटो वगैरह ऐड होते हैं, टमाटो, ओनियन, कैप्सिकम, गार्लिक भी है, जिंजर है, सब मिक्स होता है। ये ऑनियन, ये सर टमाटो, ये कैप्सिकम, ये कॉर्न है, ये मशरूम, ये ऑलिव्स है सर। अच्छा ऑलिव्स है। हाँ जी।
ये हो गया एलोपेनो, ये पिज्जा हल्का चटपटा टाइप का होता है। अच्छा, नाम इतना मस्त लग रहा है इसका। हाँ, इसका मसाला है ये। कौन सा मसाला है? ये पिज्जा मसाला है। अच्छा, ये चीज़ है मोजरेला नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है पिज्जा चीज। ओके, मोजरेला चीज ऊपर से डलते हैं इसका। हाँ जी, क्या बात है, पूरा फिल हो गया है। ये मोजरेला चीज़ है। भाई पूरा फिल हो गया। ये लिक्विड चीज़, चीज़ ही चीज़ हो गई आज। बस ये पिज़्ज़ा हो गया, तैयार हो गया। बस अंदर बेक करने के लिए अंदर रखेंगे इसको। तो कितना टाइम लगेगा इसमें? पाँच मिनट। ओके, तो एक बार में ओवन में कितना आ जाते हैं पिज़्ज़ा? एक बार में दस आ जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, 5 मिनट तक वेट करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और ये बाहर आ रहा है। क्या बात है, कम्प्लीटली फिल्ड है चीज़ से। और ये देखिए, ओ भाई चीज़ देखिए आप, बहुत ही अमी लग रहा भाई। इस समय तो कंट्रोल ही नहीं होता यार। ये ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो आप देख सकते हैं, आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही डाल देंगे। कैसा रेडी है? सही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखिए देसी पिज़्ज़ा, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आइए थोड़ी फ़ोटो शूट करते हैं और वापस आते हैं आपके पास। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा माउंट एवरेस्ट पिज़्ज़ा आ चुका है। मीडियम साइज़ हमने मंगाया था, जिसकी प्राइस हमें पड़ी 170 रुपीज़। और सच्ची में मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई नाम के हिसाब से है, क्योंकि आप चीज़ देखिए, मतलब जितनी इसका बेस था ना, उतना ही डबल मोटा इसके ऊपर की चीज़ की लेयर है। और आप इन्होंने पहले ही ऊपर हमारा डाल दिया, स्प्रिंकल तो कर ही दिया, लेकिन आप चाहें तो ऊपर से और चिली फ्लेक्स या ऑरिगैनो डाल सकते हैं। तो ऑरिगैनो तो काफ़ी है, मैं चिली फ्लेक्स डालता हूँ, थोड़ा अपने पीस में डालता हूँ, पता नहीं मनुष्य खाएगा नहीं खाएगा, तो इतना काफ़ी है। चले आइए अब करते हैं ट्राई। और ये देखिए भाई, क्रीमी चीज़ होने वाली है, मज़ा आने वाला है। क्या बात है, दोस्तों ये टैंगी फ्लेवर है इसका, एलपिनो है, तो इसको तो टैंगी तो लगने ही वाला है। बाकी चीज़ बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही डबल लेयरिंग है चीज़ की। मैं एक बार एक पीस और लूँ, बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा भाई। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो कोई भी मैं पिज़्ज़ा ट्राई करता हूँ, मुझे सारे बढ़िया लगते हैं, बट ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कंट्री स्पेशल पिज़्ज़ा, वो भी पूरी बराबरी का इसका। ये दोनों पिज़्ज़ा के मेरे फेवरेट है, कभी भी आए तो ज़रूर ट्राई करें। इतनी सारी वेजीज इन्होंने डाली रखी थी, तो आप टेस्ट समझ ही होंगे कि टेस्ट कैसा है इसका। क्रीमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है इसमें। मैं एक बार सॉस के साथ देता हूँ, ट्राई करते हैं। मुझे पिज़्ज़ा थोड़ा सॉस के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टैंगी सा और स्वाद आ जाता है। खट्टे वाले पिंगू, बाकी ऑलिव्स भी हैं जो आपको रिफ्रेश करने वाले हैं, तो एक अच्छी डील है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा। चलो मैं इसे फिनिश करता हूँ और वापस आता हूँ आपके पास। तो दोस्तों ने आपको दिखाया यहाँ का माउंट एवरेस्ट पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा लिटरली बहुत ही गजब था। मतलब माउंट एवरेस्ट सिर्फ नाम से नहीं था, वो सच्ची में उसके अंदर इतनी चीज़ें ऐड हो रखी थी कि भाई उसका नाम माउंट एवरेस्ट हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे एक अलग चीज़ है, आप मेन्यू में नहीं है, बट आप एक बार ट्राई करें यहाँ का बर्गर पिज़्ज़ा, जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, बट सॉरी मैं इस वीडियो में डाल नहीं पाया, क्योंकि एक्चुअली हमारा पेट भर गया था। तो मैं चाहूँगा ये देखिए, ये रहा बर्गर पिज़्ज़ा, तो आप ये बर्गर पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। मेन्यू में नहीं है, मैंने बोलूँगा कि इसे मेन्यू में ज़रूर ऐड करें। 60 रुपीज़ का है ये, और मुझे लग रहा है जब मैंने प्रिपरेशन देखी
देखी ना बर्गर पिज्ज़ा की, तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मतलब 60 रुपीज़ में इतना बढ़िया आपको दोनों का स्वाद मिलेगा, बर्गर का भी और पिज़्ज़ा का भी। तो दोस्तों काफ़ी सेटिस्फाइड है यहाँ से और काफ़ी खुश भी है। तो अगर आप आएँ एक बार तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है। मेरे हिसाब से उत्तम नगर में बेस्ट दुकान है, बाकी आप चेक करिएगा आपको जो लगे। मिलते हैं फिर आपसे एक बहुत अच्छी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।